उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें अपने आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही उनके चित्र पर पुष्प भी अर्पित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्व के महानतम राजनेताओं में से एक थे, उनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि था। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी है। अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है और उनकी इस जयंती के खास मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्व के महान राजनेताओं में से एक रहे हैं और उनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि था। तो सीएम धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जयंती है और इसी खास मौके पर उन्हें याद किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। और वहीं कैबिनेट बैठक से नाराज होकर बाहर निकले हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड की सियासत गर्मा दी है। कहा यह भी जा रहा है कि हरक सिंह रावत प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इसे सिरे से नकार रहे हैं। वहीं मदन कौशिक का ये कहना है कि अपने क्षेत्र के काम को लेकर हरक सिंह रावत की नाराजगी रही है। प्रेशर पॉलिटिक्स जैसी कोई भी चीज़ नहीं है और किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया है। तो किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया है, ये कहना है उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का। हरक सिंह रावत पर जो उत्तराखंड की राजनीति है वो गर्मा गई है। कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। मंत्री होने के साथ साथ अपने क्षेत्र के विधायक होने के नाते विकास की दृष्टि से किसी कार्य को करवाना, बातचीत करना, ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, अनुचित नहीं है। और जहां तक सवाल इस चीज का, कोई इस्तीफा नहीं हुआ, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। मैं कल कई चैनल देखे जिसमें कहा कि 3 दे दिया, 2 दे दिया, 4 दे दिया। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको आनंद आ रहा हो, लेकिन मैंने उस समय भी कहा कोई इस्तीफा नहीं हुआ। आज भी जिम्मेदारी के कोई इस्तीफा नहीं हुआ। और वहीं लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट पर पंजाब के डीजीपी ने ये कहा कि हमने 24 घंटे के अंदर ही अंदर मामले को सुलझा लिया है। आतंक माफिया और ड्रग्स पंजाब के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। वहीं ब्लास्ट करने वाला युवक पंजाब के खन्ना का रहने वाला बताया जा रहा था और पहले पुलिसकर्मी था, लेकिन 2019 में उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। ये रिपोर्ट देखिए। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट को लेकर चंडीगढ़ में पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान डीजीपी ने दावा किया कि उन्होंने इस मामले को 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया है। उन्होंने बताया कि इस ब्लास्ट केस के आरोपी का कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। उन्होंने कहा कि राज्य में आतंक माफिया और ड्रग्स एक चुनौती है। वहीं डीजीपी ने कहा कि आरोपी कोर्ट के रिकॉर्ड रूम को उड़ाना चाहता था ताकि उसके खिलाफ सभी सबूत नष्ट हो जाए। बम धमाके का आरोपी गगनदीप सिंह नशा तस्करी में पकड़ा गया था। जेल में रहने के दौरान ही वो खालिस्तानियों के संपर्क में आया। डीजीपी के मुताबिक जांच एजेंसियों ने घटनास्थल की जब बारीकी से जांच की तो वहां से टूटा मोबाइल फोन, सिम कार्ड और एक डोंगल भी मिला। इसकी जांच करने पर पुलिस को खन्ना के एक व्यक्ति का सुराग लगा। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने गगनदीप के बारे में बताया। पुलिस गगनदीप के घर पहुंची और परिवार से पूछताछ की। घटनास्थल से मिले शव के हाथ पर एक धार्मिक निशान बना हुआ था। पुलिस ने जब परिजनों को शव की फोटो दिखाई तो परिजनों ने गगनदीप की पहचान कर ली। मैडम, जो वो शख्स था वो हमारे पंजाब पुलिस का एक डिसमिस्ड हेड कांस्टेबल है, जिसके पास से 385 ग्राम हेरोइन मिला था। 2019 में डिसमिस हुआ, 2 साल कैद काट के उसके बाद बेल पे आया हुआ था। अभी उसकी ट्रायल चल रही है। तो उसके मोबाइल फोन से और उसके सिम कार्ड से उसकी हमने आइडेंटिफिकेशन की है। जहां तक विस्फोटक सामान है वो हमारे फोरेंसिक साइंस टीम्स देख रहे हैं, वो आपको जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा।
डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने कहा कि लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट केस में मारा गया व्यक्ति पूर्व पुलिसकर्मी गगनदीप सिंह विस्फोट को अंजाम दे रहा था। उन्हें 2019 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और ड्रग तस्करी के मामले में उसकी गिरफ्तारी के बाद 2 साल जेल में बिताए। गगनदीप सिंह पंजाब पुलिस का बर्खास्त हवलदार और ड्रग स्मगलिंग केस में आरोपी भी था। इसके बाद देर रात पुलिस गगनदीप के भाई को जांच में सहयोग और पूछताछ के लिए साथ लेकर आई। बता दें कि गगनदीप पंजाब के खन्ना का रहने वाला था। वो पुलिस कांस्टेबल था। अगस्त 2019 में उसे NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। अदालत से दोषी ठहराए जाने के बाद उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। आपको बता दें कि 23 दिसंबर को लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद राजनीति भी गर्मा गई थी। पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी भी मौके पर पहुंचे और इस मामले पर केंद्र ने भी संज्ञान लिया था। वहीं ब्लास्ट को लेकर पंजाब के DGP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की पूरी जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और वही चमोली दौरे पर रवाना होने से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्री हरक सिंह रावत की नाराजगी के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल CM धामी ने सीधे शब्दों में ये कहा है कि हर जनप्रतिनिधि पर अपने इलाके के विकास का दबाव बना होता है, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, मिलजुल कर बात करके मामले को सुलझा लिया जाएगा। चुनाव नजदीक है, सभी को काम ज्यादा तेजी से कराने की ललक होती है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो लोग अपने ही घर में इतने उलझे हुए हैं कि वो पहले अपने घर से बाहर निकले, वहाँ तय करें कौन लीडर है, कौन किसके नेतृत्व में जाएंगे, कौन क्या करेगा। वहाँ पर अलग अलग तरीके की चीज़ें चल रही हैं। आज हैं रावत जी, इतने सीनियर हैं, वो कह रहे हैं मुझे बनाओ, लेकिन वो पार्टी वाले बना नहीं रहे उनको आगे कर नहीं रहे, तो उनकी व्यथा भी बड़ी हमको ख़राब लगती है कि भाई अगर रावत जी के साथ भी इस तरह का वहाँ पर हो रहा है। और वहीं पौड़ी में विद्युत विभाग के लिए लाखों रुपए के बकायेदार बने शिक्षा विभाग समेत कई बड़े विभागों को विद्युत विभाग बिजली बिल भुगतान करने के लिए कई दफा नोटिस थमा चुका है, लेकिन लाखों रुपए के बकायेदार बने विभाग बिल जमा करने में इस कदर आनाकानी बरत रहे हैं कि इन पर लाखों रुपए का बकाया चढ़ चुका है। दरअसल बिजली बिल का सबसे ज्यादा भुगतान शिक्षा विभाग को करना है, जिस पर 30 लाख रुपए का बकाया बना हुआ है। वहीं इस तरह से BSNL विभाग पर 15 लाख का, स्वास्थ्य विभाग पर 8 लाख का बिल बकाया बना हुआ है और इसके अलावा राजस्व विभाग, पुलिस विभाग को भी लाखों रुपए का बिजली भुगतान करना होगा। ऐसे में इन बकायेदार विभागों से बिल की रिकवरी करना विद्युत विभाग के लिए सबसे बड़ी परेशानी और चुनौती बनता जा रहा है। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता अभिनव रावत ने ये बताया कि इन विभागों को कई दफ़ा नोटिस भी दिया जा चुका है और खुद भी बार बार इनसे बिल भुगतान के लिए मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी बिल नहीं भरा गया है। अधिशासी अभियंता ने ये भी बताया कि विभागों की आनाकानी इसी तरह से चलती रही तो उन्हें मजबूरन विभागों को विद्युत कनेक्शन काटने पड़ेंगे। जो प्राइवेट कनेक्शन है, सरकारी कनेक्शनों को तो हम 2-3 बार उनसे मिलते हैं, सरकारी जितने भी जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनसे मैं स्वयं वार्ता करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप ये बिल जमा करा दीजिए, क्योंकि फिर हमें भी मजबूरी में होकर उनके कनेक्शन उच्छेदित करने पड़ते हैं। तो सरकारी जो प्राइवेट कनेक्शन है उनको तो हम काट रहे हैं, और जो सरकारी उनसे मैं अभी पर्सनली मिल रहा हूँ और हमारे SDO साहब भी हैं वो भी मिल रहे हैं। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसमें लगभग 8 लाख का बकाया चल रहा है। कोविड की वजह से हम भी नहीं चाह रहे हैं कि इनके कनेक्शन कटें, लेकिन मजबूरी में हमें ये स्टेप लेना पड़ सकता है। बिहार में स्मैक तस्करी का काला कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है, कई युवा इसके चपेट में आते जा रहे हैं और इसी के चलते अल्मोड़ा में SOG की टीम ने एक 24 साल के युवक को हजारों की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी पूर्व में होटल मैनेजमेंट का छात्र रहा है और पहले भी स्मैक की तस्करी में जेल जा चुका है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है और युवक के पास से आपको बता दें कि 95,000 रुपये की स्मैक बरामद की गई है। कल 24/12/2021 को SOG टीम प्रभारी नीरज भाकुनी के नेतृत्व में SOG टीम द्वारा होटल मैनेजमेंट के पास लोअर माल रोड से अभिषेक नेगी को 9.52 स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में कोतवाली अल्मोड़ा पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभिषेक नेगी को आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।
उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की सख्ती के बाद आखिरकार पुलिस फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। लक्सर के भगवानपुर कुड़ी नामक गांव में कुछ बदमाशों ने खेत जाते वक्त 16 दिसंबर को किसान की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जो अभी तक फरार चल रहे थे। पुलिस ने उनके घर पर कुर्की वारंट चस्पा किए थे। बीती रात पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर छापेमारी की और हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने घटना की सारी जो चीजें थी उनको स्वीकार किया और पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त तमंचा और बाइक भी बरामद कर ली है। साथ ही अभी भी फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने जानकारी देते हुए ये बताया कि दिल्ली के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन 2 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार आएंगे। इमरान हुसैन 27 और 28 दिसंबर को हरिद्वार में होंगे, जहां वो 27 दिसंबर को हरिद्वार के ग्रामीण और लक्सर में जनसभा भी करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर 28 दिसंबर को रुड़की और मंगलौर में जनसभा करेंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन जी का पिछला दौरा हल्द्वानी और जसपुर का काफी सफल रहा, जहां उनकी जनसभाओं में भारी जनसैलाब उमड़ा और उसी को देखते हुए इस बार फिर से उनका 2 दिवसीय दौरा हरिद्वार जिले का प्रस्तावित है, जहां 27 और 28 तारीख को वो 4 विधानसभाओं में जनसभा को संबोधित करेंगे। 27 तारीख को लक्सर और हरिद्वार ग्रामीण में जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं 28 तारीख को रुड़की और मंगलौर में उनकी जनसभा है और इस जनसभा में भारी जनसैलाब उमड़ने की संभावना है। और उधर हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी के मातृशक्ति संवाद में दिल्ली की एमएलए आतिशी मार्लिना सिंह ने सशक्त महिला समृद्ध उत्तराखंड के तहत महिलाओं के साथ संवाद स्थापित किया, जहां उन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर किए जा रहे तमाम कार्यों की विस्तार से परिचर्चा भी की। तो वहीं दूसरी ओर आतिशी सिंह का ये कहना था कि उत्तराखंड में केंद्र से 55,000 करोड़ के बजट में मात्र 20% सरकार विकास कार्यों में खर्च कर पा रही है और अधिकांश सरकारी महकमे में के भ्रष्टाचार कार्यों में खर्च किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में महिलाओं ने आम आदमी पार्टी के लिए अपना मन बना लिया है। आज जो ये हल्द्वानी में हमारा मातृशक्ति संवाद हुआ है, जो हॉल में ऐसी सैकड़ों महिलाएं बैठी हुई थी, आप उनके चेहरे का तेज देखिए, उनकी बात सुनिए, आज ऐसा लग रहा है कि हल्द्वानी की भी और उत्तराखंड की भी महिलाओं ने अपना मन बना लिया है कि उनके पति चाहे किसको भी वोट दें, वो चाहे कांग्रेस को वोट दें चाहे बीजेपी को वोट दें, उत्तराखंड की महिलाएं तो इस बार अरविंद केजरीवाल को वोट देने वाली हैं आम आदमी पार्टी को। और वहीं मसूरी में अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती के मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मसूरी तिलक लाइब्रेरी में आयोजित कार्यक्रम में अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस खास मौके पर सभी ने अटल जी के मार्ग पर चलने का आह्वान किया और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अटल जी के कारण ही उत्तराखंड का निर्माण हो सका। वहीं हरीश रावत पर भी तंज कसते हुए गणेश जोशी ने ये कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी हरीश रावत 2 विधानसभाओं से हार गए थे, जिससे ये साफ है कि प्रदेश की जनता उनको नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन में भी उनके प्रति नाराजगी बनी हुई है। देहरादून में प्रदेश कार्यालय में पूर्व राज्य मंत्री के साथ हुई हाथापाई साफ तौर पर दर्शाती है कि कांग्रेस एकजुट नहीं है। कांग्रेस हरीश रावत के ही पार्टी के लोग उनको मानने को तैयार नहीं है। आज मैं प्रीतम जी का एक बयान देख रहा था, ये तो पहले भी थे कमेटी के अध्यक्ष, कोई नया कुछ नहीं हुआ है। और कल जब वो दिल्ली में बातचीत चल रही थी तो कांग्रेस भवन के अंदर एक पूर्व राज्य मंत्री की पिटाई हो रही थी, तो ये अपने आप में आपको दिखाई दे रहा है कि क्या दृश्य कांग्रेस के अंदर है और भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी के सुकमा संगठन ने अटल सदन में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर अटल जी के अद्भुत व्यक्तित्व और कृतित्व पर भी चर्चा हुई। बताते चले कि पूर्व बीजेपी अध्यक्ष मनोज देव ने ये कहा कि अटल जी सर्वमान्य नेता थे, जिन्हें विपक्ष के लोग भी मानते थे। कार्यक्रम में कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
और चलिए फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।